हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स गाइस. डीयू में बीएड में एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को. जो हमारा बीएड के रिगार्डिंग वीडियो डाला गया था, हमने जो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसको दिया गया, उस पर कम से कम सैकड़ों लड़कों ने हमें इस रिगार्डिंग क्वेरी किया. उन्हें इसके रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन रहा. देखिए, आप अपने आप को कन्फ्यूज अननेसेसरी मत करिए. अगर आप नहीं एलिजिबल हैं तो इस बात को मानिए कि आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपका क्राइटेरिया नहीं सेट बैठ रहा तो इस चीज को मानिए. जबरदस्ती आप अपने आप को एलिजिबल मत बनाइए. तो ये देखिए, सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे. प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर दिखेगा, और उसमें देखिए डीयू बीएड का वीडियो डाल दिया गया, और बाकी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के सारे वीडियो डाल दिए गए हैं. अब देखिए, कन्फ्यूजन अबाउट 200 मार्क्स, कि ये 200 नंबर जो सब्जेक्ट्स का है ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसका क्या बेसिस है. तो देखिए गाइज, मैं आपको इस बार बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए. देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, इधर क्या दिया हुआ है इसको कट करिए. आप अपने दिमाग में एक चीज एकदम फिट कर लीजिए कि देखिए, ये चीज जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये जरूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप बीएड का एडमिशन लें तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से, ये टोटल सब्जेक्ट है, इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट से आप बीएड करेंगे. अब आपको क्या देखने की जरूरत है, क्या वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 200 नंबर का पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है. अगर पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो. आपने ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो, आपने ग्रेजुएशन बीटेक बायोटेक कुछ भी कर रखा हो, जो है कोई सा भी ग्रेजुएशन ले रखा हो, अगर इनमें से आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है वो भी 200 नंबर का, तो आप एलिजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जहाँ लड़के बीकॉम कर रहे थे, तो वहां उन्होंने इंग्लिश जो है 100 नंबर पर पढ़ रखा है, हिंदी 100 नंबर पर पढ़ रखा है. तो प्लीज आप एलिजिबल नहीं है. जबरदस्ती मत करिए आपके साथ, आप एलिजिबल नहीं है. वो जरूरी है कि आपने 200 नंबर का पढ़ रखा हो. अच्छा, अभी आगे मैं बताऊंगा बीकॉम अगर उन लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिक्कत है. तो अब उसी तरह उन्होंने कार्ड डिफाइन कर दिया. बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर क्या दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. नहीं, दो सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते. आप साइंस डोमेन सेलेक्ट करोगे, आपको फॉर्म भरते समय दिखाएगा कि साइंस डोमेन में ये 5 सब्जेक्ट अवेलेबल है. लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो दिखाएगा इंग्लिश हिंदी संस्कृत, इनमें से कौन सा लेना चाहते हो आप, वो सब्जेक्ट आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है कि नहीं. अब देखिए, अब आपने बीकॉम कर रखा है तो देखिए एकदम स्पष्ट तरीके से बता दिया जाए कि बीकॉम का लड़का कॉमर्स से बीएड नहीं कर सकता है. अब उनको ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कौन सा दूसरा सब्जेक्ट है 200 नंबर का पढ़ रखा हो. तो आप वो पाएंगे कि अपने रिजल्ट में वो इंग्लिश पढ़ रखे हैं और हिंदी पढ़ रखे हैं, लेकिन वो 200 नंबर का नहीं है. अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 200 नंबर का पढ़ाती है तो आप इंग्लिश और हिंदी में भी एलिजिबल हो. लेकिन बीकॉम का हर लड़का इकोनॉमिक्स तो ऑलमोस्ट पढ़ता ही है, तो वो इकोनॉमिक्स से बीएड कर सकता है. अब देखिए, इसी बात को मैंने यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया है. देखिए, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से ही लिया गया है, सीआईई से ही मैंने लिया है. सच कैंडिडेट्स हैव एट ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम पास या ऑनर्स है, तो वो या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी संस्कृत, इनमें से अगर उन्होंने 200 नंबर का पढ़ रखा है तो वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए. देखिए लिखा है, दे आर एडवाइज टू फिल इन सोशल साइंस एंड लैंग्वेज. देखिए वही बात वो कह रहा है कि ये सोशल साइंस हो गया और ये लैंग्वेज हो गया. मतलब कि आपसे कह रहा है कि आपने इन 7 सब्जेक्टों में से कोई पढ़ रखा है तो आप जो है, सॉरी, इन 8 सब्जेक्ट में से आपने कोई पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो. अब देखिए, अब ये 50% मार्क्स वाली बात है, इसको भी कट हो जाना चाहिए, इसको किनारे करो. देखो, अब उसके बाद लिख रहा है कि कैंडिडेट्स जो बीएड कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स में, जो टीचिंग सब्जेक्ट ये रखे हैं, वो एलिजिबल नहीं है बीएड करने के लिए उस सब्जेक्ट से, अनटिल एंड अनलेस कि उन्होंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है. अगर कोई लड़का बीकॉम का है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो कॉमर्स से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. इसलिए देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स एज टीचिंग सब्जेक्ट शुड हैव एसेंशियली डन अ मास्टर्स डिग्री इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. कैंडिडेट विद ओनली बीए बीकॉम डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्टेड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और कॉमर्स. अब देखिए ये 50% मार्क्स क्या है, ये कह रहा है कि ये 200 नंबर का जो आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसमें 50% अंक लाना जरूरी है. ये ना हो कि 200 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ रखे हो और सिंपली बस तुम्हारा क्या हो रहा है कि 200 नंबर में आपका जो है सर, आप 50 नंबर पाए हो 200 में. ऐसा नहीं होना चाहिए, 200 में सिर्फ 60 नंबर, 70 नंबर पाए हो. 50% का मतलब ये कि 200 में आपके 100 मार्क्स ही बनने चाहिए.
मतलब ये है कि 200 मार्क्स का स्टडी होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें 50% मार्क्स भी आपको पाना है 200 नंबर लाने के साथ साथ। अब देखिए, कोई ऐसा लड़का है जिसने बीएससी कर रखा है, एमएससी कर रखा है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रो बायोलॉजी में, तो ये लोग साइंस कैटेगरी के सब्जेक्ट में अपना एप्लीकेशन डालेंगे। साइंस कैटेगरी में देखिए, वो लिस्ट जो पहले थी साइंस कैटेगरी में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने 200 नंबर का पढ़ रखा है वो इसमें एलिजिबल है, तो वो साइंस कैटेगरी में डालेंगे। अब देखिए, कैंडिडेट जिनका बीएएमए है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में डालेंगे। जिन्होंने भी बीएएमए कर रखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल साइंस में डालेंगे। सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस एंड सोशल साइंस। अब देखिए, जो लोग भी मैनेजमेंट से ग्रेजुएट हैं, लॉ से ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं, वो बीएड प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं एलिजिबल है। आई रिपीट, नहीं एलिजिबल है। अननेसेसरी जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो आप मैसेज करके उसको फ्लड मत करिए, आप नहीं एलिजिबल है। इस चीज को समझ लीजिए, समझिए, मैनेजमेंट, लॉ और एग्रीकल्चर वाले डीयू में नहीं एलिजिबल है, टू बी प्रिसाइज। दूसरे यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है। अच्छा, बहुत लोग सवाल है कि सर मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ तो मेरा क्या होगा। देखिए, बिल्कुल अपियरिंग कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है। तो सवाल ये है कि अगर आप अभी एलिजिबल हो गए तो कल को रिजल्ट आएगा तो उसका क्या हुआ, मान लो परसेंटेज ना फुलफिल हो। देखिए, मान लीजिए जो एडमिशन प्रोसीजर है ना, जून में रिजल्ट आ जाता है, जून एंड में, और जुलाई वगैरह में सारा क्लियर हो जाता है कि कब तक एडमिशन वगैरह, क्लासेस वगैरह शुरू होंगे। तो मान लीजिए कि मिड जुलाई एंड जुलाई तक एडमिशन हो गया, आप एडमिशन ले लिए हैं और आपका रिजल्ट आया अगस्त में, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है ना, 31 अगस्त का डेडलाइन फिक्स कर देती है। मान लीजिए 31 अगस्त तक आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिजल्ट दे देगी और तब तक आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए। और अगर नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो जो कोई भी वेटिंग में होगा उसका वेटिंग क्लियर हो जाएगा, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। अब सवाल है, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर एज लिमिट क्या है इसका। कोई एज लिमिट नहीं है गाइस, कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए, जॉब करने की एज लिमिट होती है, लेकिन जब आप कोई चीज किसी भी शिक्षा से जुड़े किसी भी क्षेत्र को, कोई भी चीज आप परस्यू करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसका कोई एज लिमिट नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी भी इस चीज को कर सकता है। अच्छा, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सर वो कौन सा, चार गुप्ता यार। ये तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ अपने पेड मेंबर्स को ही देते हैं, क्योंकि देखिए पब्लिक डोमेन प्रोफाइल यूट्यूब पर हम इस तरह की बातें नहीं करना करना सही नहीं रहेगा। देखिए, आपको बताएं दोनों किताबों में से कौन अच्छा है, बिलीव मी, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ना आर गुप्ता अच्छा ना आर्यंत अच्छा है। देखिए, ये बुक्स क्या करते हैं, ये तो बस पैकिंग करते हैं यार, बस पैकिंग करते हैं, बुक ले आएंगे, ऊपर लिख देंगे कि DUBED, और आपको देख के लगेगा कि कुछ बहुत किताब में दे रखा है। ये क्या करते हैं कि साइंस, मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन इकट्ठा किए भेजते हैं, और वही अरियंत वाले भी करते हैं। ठीक है, DUBED लिखा रहेगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह लिखा रहेगा कवर पर, और आपको लगेगा कि अच्छा ये बीएड की किताब है, इसको पढ़ लेंगे। देखिए, मैं एक चीज बताऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड इतना ईजी नहीं है निकालना, और पूरे इंडिया में सबसे अच्छा कोई बीएड करने का जगह है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है। इससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं जो बीएड करवाता हो इतने अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ पर तो बीएड में प्लेसमेंट होते हैं प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करा देते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब की तो बात छोड़िए, नहीं, गवर्नमेंट का मतलब आपको निकालना है, आई मीन कहने का मतलब कि प्राइवेट में भी ये प्लेसमेंट करा देते हैं। तो ना ही यार गुप्ता अच्छी है, ना ही आर्यन, बस वो तो बस एक मॉडल है, जिस बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है बस वो इस बुक को एक्सेस करे और देख के थोड़ा आइडिया ले ले कि सब्जेक्ट में चल क्या रहा है, पेपर में दिखेगा क्या। आप अब देखिए, अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप शॉप पे जाइए, आप आर गुप्ता या आर्यन की दोनों के बुक देख लीजिए। देखिए, हमारे यहाँ से हमारे डेली बाइट की जो सर्विस है, जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो जो दूसरे डोमेन में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो ये आर गुप्ता और आर्यन की बुक तो हमने पोस्ट करवाना ही बंद करवा दिया है। ऑन द अदर हैंड हमें तो फायदा ही होगा अगर हम इसे पोस्ट करते हैं, तो पता है क्यों, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली बुक नहीं है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ये स्टूडेंट फ्रेंडली बुक नहीं है क्योंकि बुक सफिशियंट नहीं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इससे बस आप मोटी मोटा आइडिया ले सकते हैं कि पेपर में क्या आ रखा है। अब देखिए, आप मार्केट में जाके इन बुक्स को देख सकते हैं, बुक का जैसे ही आप पहला पन्ना देखेंगे आपको एहसास होगा कि सेम 2016 2018 में आर गुप्ता में दूसरा पेपर दे रखा है क्वेश्चन, और अरियंत में दूसरा दे रखा है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है ना, इनके पास भी मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं रहता है, पिछले 2 साल से तो पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तो वो पेपर तो किसी के पास अवेलेबल है ही नहीं जो
ऑफलाइन वाला है वो भी इन लोगों की किताब में आप देखिएगा आधा अधूरा दे रखा है 3-4 पढ़ने का, बाकी का ये सारा इन लोगों ने अपने मॉडल पेपर वगैरह डाल के अपना ज्ञान दे दिया अलग से। और आर गुप्ता में तो इतना कठिन बना दिया है कि जो बीएड में पूछता ही नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है तो फिर करें कहाँ से, देखिए एलिवेट यू आप इसको कहाँ से करना चाहते हैं, लेकिन हम बस आपको इतना एश्योरेंस दे सकते हैं कि जो भी हमारे डेली बाइट्स के जो भी हमारे पेड मेंबर हैं, जो 251 रुपीस दे के जो भी हमारे पेड मेंबर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, हम उनको क्या करेंगे कि 2 साल का 2016 का एक आपको हम ऑफलाइन पेपर दे देंगे, 2018 का एक आपको हम ऑनलाइन पेपर जो एग्जाम में हुआ था डिटो सेम टू सेम। देखिए दो पेपर देखने से ही आपको आइडिया मिलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करता क्या है, पूछ क्या रहा है वो। देखिए अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सीरियस कैंडिडेट तभी प्लीज मेंबरशिप लीजिएगा। हम भी नहीं चाहते हैं कि इधर उधर के लड़के उसमें आगे बस हमारे डेटाबेस में भरते हैं और हम सबको एंटरटेन ना कर पाए, तो हम भी चाहते हैं कि सिर्फ दो ऐसे ही लोग जुड़े जो सीरियस, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि डीयू का एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो देखिए अब 2016 का आपको हम एक ऑफलाइन पेपर दे देंगे तो आपको देख के पता चलेगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या आ रहा है। 2018 प्रीवियस ईयर का पेपर जो ऑनलाइन हुआ था जो कहीं नहीं मिलेगा उसको आपको हम दे देंगे। लेकिन ये पेड मेंबर लेने के बाद 251 रुपीस का आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे मेंबरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप ज्वाइन करेंगे तभी। उसके बाद देखिए हम आपको ये गाइड कर देंगे कि ये कौन सी बुक इसके लिए सफिशियंट है। देखिए हम अभी बता दें कोई बुक सफिशियंट नहीं है, हम आपको बस उसमें गाइड करेंगे कि पढ़ना क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पढ़िए, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में किस पे पेपर बन रहा है, क्या हो रहा है, डायनामिक्स डीयू वाले फॉलो कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम गाइडेंस दे देंगे। और आपको हम सिर्फ स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड करेंगे जिसको आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे ही और इनकेस फ्यूचर में भी कोई भी टेट का पेपर देते हैं, सीटेट का पेपर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं, बीएड पे सरकारी टीचर बनने के लिए कुछ भी बनने के लिए, तो वो बुक्स आपको वहां भी काम आएंगी। तो हम आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे कौन सा स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड है, क्या करना है, कैसे करना। तो देखिए उस फैसिलिटी के लिए तो आपको पेड मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए जितने लोग हैं उतनी अलग तरह की क्वेरीज है, सबके क्वेरीज सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कितने भी यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिए, कितना भी आप गूगल कर लीजिए, प्रॉस्पेक्टस पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक कोई सही आदमी आपको गाइडेंस नहीं करेगा ना। और बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि देखते हैं क्या करना है, देखते रह जाएगा, छोड़ दीजिए करना। देखिए मैंने सारे जो भी क्वेरीज थे, जो भी प्रॉब्लम थे, उसको सॉर्ट आउट करके इसमें समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और किसी भी शॉर्ट क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए शॉर्ट क्वेरीज हैं, छोटे मोटे आपको कोई सवाल है, डाउट है तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन बाकी किसी भी पर्सनल हेल्प या गाइडेंस या करियर काउंसलिंग के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी बाय पेइंग 259 रुपीज। ओके गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।